दोस्तों अभी अपन जयनगर से दरभंगा के लिए जा रहे हैं और रास्ते में यहाँ पे कपिलेश्वर स्थान है, मैं आपको दिखाता हूँ, क्योंकि जो कपिलेश्वर स्थान है ना काफ़ी फेमस है इस मधुबनी डिस्ट्रिक्ट में। और क्योंकि जब आप गूगल पे सर्च करेंगे टॉप 5 दर्शनीय स्थल इन द मधुबनी, तो आपको इस कपिलेश्वर स्थान का नाम मिल जाएगा, इसलिए काफ़ी फेमस हो जाता है। और अगर अपन इस रास्ते से जा रहे हैं तो इस कपिलेश्वर मंदिर को एक्सप्लोर करना बनता है। तो चलिए आइए आपको दर्शन करवाते हैं कपिलेश्वर भगवान का, जो कि यहाँ पे एक शिव जी का शिवलिंग रखा हुआ है। हाय, हेलो, नमस्ते, नमस्कार, सत श्री अकाल आदाब, तो कैसे मेरे प्यारे दोस्तों आज अपन आ गए हैं कपिलेश्वर स्थान। कपिलेश्वर स्थान जो कि मधुबनी जिले के अंतर्गत स्थित है और अब आप गूगल पर सर्च करेंगे टॉप फाइव तीर्थ स्थल एकदम मधुबनी, तो आपको ये स्थान मिल ही जाएगा। इसीलिए अपन इसको एक्सप्लोर करने के लिए आए हैं, क्योंकि यहाँ पर ना काफ़ी अच्छे से भव्य मंदिर है और बहुत बड़ी मान्यता इस मंदिर को रिगार्डिंग लेकर के है। इसीलिए बने रही वीडियो के अंत तक। नमस्कार दोस्तों, मैं चंद्र प्रकाश, स्वागत करता हूँ आप सभी के और नए फ्रेश वीडियो में। मतलब कोई मानता है क्या इस पोखरा के रिगार्डिंग? क्या मानता है? मानता ये है कि वरुण देवता है ना, इसको खूने हैं। अच्छा, क्योंकि एक ऋषि था ना, वही कहा कि पानी पे यहाँ की जरूरत है, तो उसके लिए मतलब अच्छा, कपिल मुनि बोल रहे थे? कपिल मुनि नहीं, दूसरा ऋषि कोई दूसरा नाम बताया था। अच्छा, मंदिर में प्रवेश कर रहे हैं। यहाँ दोनों तरफ गेट पे इस तरीके का स्ट्रक्चर बनाया हुआ है हाथी का और भगवान का, जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग लगता है, काफ़ी अच्छा लगता है। ये अभी अपन खड़े हैं कपिलेश्वर स्थान के कैंपस के अंदर। देखिए, एक ये मंदिर है और इसकी काफ़ी भव्य है, खूबसूरत है और इसकी बहुत बड़ी बड़ी मान्यता है। इसके मंदिर के गेट पे लिखा हुआ है ओम नमः शिवाय और इसके सामने जस्ट अपने कैमरा इधर घुमाते हैं, ये दूसरा मंदिर है, तो ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है, काफ़ी पुराना है। और कहते हैं कि एक कपिल मुनि हुआ करते थे, वो यहाँ पे इसको जागृत किए थे, जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग है, अच्छा है। और यहाँ पर है वो बाबे मंदिर, जो कि बहुत ही ऐतिहासिक है, काफ़ी अच्छा है। यहाँ पे लिखा हुआ है ओम नमः शिवाय और ये है वो मंदिर जहाँ पर शायद अभी भगवान शिव का अभिषेक हो रहा है। शिवाय केदान दुर्गम शिवाय।
यहाँ पर आज हम आए हैं कपिलेश्वर स्थान वीडियोज बनाने के लिए और आपको दिखाते हैं। फिलहाल अभी अपन यहाँ से कपिलेश्वर स्थान से निकल रहे हैं और चल रहे हैं घर। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। फिर मिलता हूँ एक अच्छे से ब्लॉग्स के साथ, तब तक के लिए एज ऑलवेज राइड सेफ, ऑलवेज वियर हेलमेट। जय हिंद, वंदे मातरम।